Yeah.
प्रीति मालू बहुत बढ़िया भजन की प्रस्तुति करेगी, उसमें डांडिया नृत्य भी होगा। आप लोग मर्यादा मेरे ना, और कन्यादान के लिए आपको जो लिफाफा मिला है वो पास में रखना, जैसे छप्पन भोग की जागे का कल दर्शन करते हुए आप मर्यादा से गए ऐसे इधर कन्यादान करते गए। कन्यादान यहाँ के गौशाल के कार्यकर्ता है सदस्य उनको ही दे। हाँ जी, वो कन्यादान के लिए छह वाला हुए अपने अपने छोरिया लेकर। देखो एक तो शांति से सब बैठ के रहेंगे तो यहाँ का आनंद ऊंचा भोग बढ़िया आप सब ग्रहण करेंगे। अभी वरमाला होगी, कन्यादान का ये लिफाफा सबको मिल गया होगा। यदि नहीं लिफाफा मिला है तो भी जो थैली लेके कार्यकर्ता आपके सामने पहुंचेंगे उसमें लिफाफा डाल सकते हैं या रुपए डाल सकते हैं। वरमाला Let's go.
राधे कृष्ण के हाथ में माला, ये कन्याओं को जरूर देखना है, सौभाग्य स्त्रियों को जरूर देखना है। वरमाला तुम देखोगे तुम्हारी माते की सुंदर मत, कन्या देखेगी सुंदर बात। हाँ देखे रुक्मणी जी ने हाथ में माला एक माला दे रही है। रुक्मणी जी जब तक माला नहीं पहना पाएगी, जब तक भगवान कृष्ण झुकेंगे नहीं। देखे माला पहना रही है, भगवान झुक नहीं रहे। झुक जाओ भगवान, झुक जाओ, झुक जाओ महाराज। अभी प्रीति मालूम के द्वारा स्वागत की तो गरबा वाले का दो इधर आ जाए। हाँ वो गरबा का है, और ये जो कृष्ण राधा बन के आएंगे वो बीच में आ जाओ, और इनके साथ में जो भी डांस करने वाले जो तैयार हुए हैं वो भी आ जाए। राज करने वाले आ जाए। और ये प्रीति मालूम बोली कन्यादान लेने के लिए कार्यकर्ता आपके पास पहुंच रहे हैं, उनकी थैली में लिफाफा नहीं मिला तो रोकड़ी रुपया भी दे दें। जो भी आइटम आप हाथ में लाए वो आइटम भी उनकी थैली में दे दें, और शांति बनाए रखे, बहुत आनंद आएगा। Oh,
बड़ा ही सुंदर उसमें नृत्य होगा और राधा नाचे कृष्ण नाचे हमारे इंदौर के कलाकार बसंत जी। बहुत 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 बधाई, धन्यवाद हो रहा है हमारा बिहारी परिवार, धन्यवाद हो रहा है लखोटिया परिवार, बिहारी परिवार की कन्या प्रेरणा लखोटिया परिवार का भार रिया लखोटिया। मैं व्यास गद्दी पर बैठा हुआ दोनों को भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इन दोनों के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आए, और कष्ट आवे तो हवा की तरह हल्का होके चला जावे। इन दोनों में रिया में और प्रेरणा में प्रेम समुद्र की लहरों की तरह उमड़ जावे। इन दोनों की मित्रता हीरे की तरह ठोस हो जावे, इन दोनों की उन्नति सोने की तरह चमक जावे। बस यही व्यास गद्दी का आशीर्वाद। आप जितने भाई लोग आए हो, बहने आए हैं, आप बधाई लेके जरूर जाना, भगवान के विवाह की बधाई। उससे पहले आप कन्यादान में जितने हो, कोई ऐसा नहीं हो जो कन्यादान करके नहीं जावे। एक छोटा सा भजन उसके बाद हमारे स्टेज मंत्री जी सूचना दे रहे हैं, वो सुन करके चलिए चलिए समय हो गया है। व्यवस्थापकों का आग्रह है कि बस समय पर आरती की जावे। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। स्वागत की प्रक्रिया में आरंभ कर रहा हूँ। इस क्रम में मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ आज के दैनिक यजमान श्री जय किशन जी रमेश जी बल, श्री जय किशन जी रमेश जी बल बिरला निवासी, साथ में श्री सतीश जी बल, श्री महेश जी बल, आज के रुक्मिणी विवाह के यजमान श्री जय श्री कृष्ण परिवार, यहाँ से श्री श्याम बाबू सुगम और श्री जय श्री राम परिवार, श्री नीरज जी लखोटिया परिवार के साथ में आप कृपया व्यासपीठ पर आए। दैनिक प्रसाद के यजमान आज के श्री महेंद्र जी शर्मा, श्री राम स्वरूप जी सारणा, ये प्रसादी के यजमान, और श्री राम कृष्ण जी ओझा, उनको मुन्ना जी ओझा, उनकी ओर से श्री महेश जी पुरोहित। यह सुमधुर अभी आपने जो गरबा गीत सुना है उसे अपनी सुमधुर कंठ से प्रस्तुत किया था प्रीति माधु, रुक्मिणी जी और कृष्ण जी की भूमिका में। रुक्मिणी जी की भूमिका में प्रेरणा सतीश जी बियानी, कृष्ण जी की भूमिका में प्रिया लखोटिया, इसी तरह राधा कृष्ण जी की भूमिका में जयश्री बियानी और भावना सोनानी, श्री रमेश जी रांदर, श्री रमेश जी रांदर अपने परिवार के साथ में कृपया व्यासपीठ पर पधारने की कृपा करें, श्री रमेश जी रांदर। इसी तरह जो गरबा करने वाली हमारी बहनें थी, स्वाति बजाज, ममता चांडक, रीता पसारी, अरुणा पसारी, अंशु काबरा, पूजा लड्डा, खुशबू सारड़ा, सोनल सारड़ा, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी सारड़ा, इन्होंने एक निवेदन किया है कि गौशाला में रविवार को श्रीमद भागवत जी के प्रसादी की व्यवस्था की गई है। इसी महेश्वरी भवन से सुबह 10:30 बजे से गाड़ियों की व्यवस्था की गई है नागपुर गोरक्षण अनुसंधान केंद्र उमरेड रोड के लिए। आप सभी परिवार के साथ में पधारे, आपको सादर आमंत्रण। मैं जिनके नाम यहाँ ले रहा हूँ वे कृपया मंच पर व्यासपीठ पर ससम्मान पधारे। श्री श्रीनिवास जी धाकाणी, श्री प्रवीण जी धटके, श्री अतुल जी कोटेचा, श्री गोविंद जी अरोरा, श्री रमेश जी पचेसिया, जिन्होंने आशीर्वाद ले लिया है। जिन्होंने व्यासपीठ पर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है
वे कृपया व्यासपीठ से नीचे की ओर आ जाए। कोरियोग्राफर आज के जो गरबा के हैं श्री पुनीत जी जोशी, हम आपको अनेकों अनेकों धन्यवाद के साथ में शुभकामनाएं देते हैं आज के सुंदर संयोजन के लिए। श्री गोविंद जी अरोरा, श्री प्रमोद जी मानमोड़े, श्री सुरेश जी गांधी, श्री अशोक जी सोमानी, श्री गिरिराज जी बियाणी, इन सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कृपया आप व्यासपीठ पर आशीर्वाद लेने के लिए पधारें। और जिन्होंने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है वे ससम्मान व्यासपीठ से नीचे की ओर आने का कष्ट करें। श्री दिनेश जी राठी, श्री आशीष जी चांडक, श्री प्रवीण जी राठी, श्री गोविंद जी भट्टर, श्री कैलाश जी जोशी, श्री दिलीप जी मायचंद जी बियाणी, श्री सुरेश जी सोमानी, श्री गोपाल जी शर्मा, श्री प्रदीप जी चांद और श्री महेश जी बंग। डॉक्टर सुशील जी मानधना, श्री बद्रीनारायण जी छापरवाल, श्री राधेश्याम जी मानू, ये सभी श्रद्धालु जन कृपया व्यासपीठ पर पंक्तिबद्ध कतारबद्ध होकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ आने का कष्ट करें। आपको सादर आमंत्रण। क्रमबद्ध होकर आप श्री ईश्वर जी कागानी, श्री लक्ष्मी अनुबंध की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता नावंदर, श्री नारायण जी राठी, प्रीति मालू, प्रीति महावीर जी मालू, श्री संजय जी लोया, श्री संजय जी लोया, उमानंद स्टेज पे उमानंद स्वागत के लिए परदेशी भीरमानंद डॉक्टर कन्हैया जी चांदक, गौशाला में कृपया ध्यान देवे रविवार को भागवत जी की प्रसादी की व्यवस्था उमरे रोड से गौशाला में की गई है और वहां पर जाने के लिए इसी माहेश्वरी भवन से सुबह 10:30 बजे से गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। इसी माहेश्वरी भवन से गाड़ियों की व्यवस्था की गई है गौशाला में पहुंचने के लिए। गरबा करने वाली जो हमारी सभी गोपियां हैं उनके नाम स्वाति बजाज, ममता चांडक, रीता पसारी, अरुणा पसारी, अंशु काबरा, पूजा नड्डा, खुशबू सारडा, सोनम सारडा, ये सभी गोपिकाएं कृपया व्यासपीठ पर पधारे। राधा कृष्ण की सुंदर भूमिका में जयश्री बियाणी और भावना सोमानी, इसी तरह रुक्मिणी जी और कृष्ण की भूमिका में प्रेरणा सती जी बियाणी और प्रिया लखोटिया, श्रीमती कांताताई रावलकर नगर सेविका, कृपया आप भी व्यासपीठ पर आए। श्री राम प्रकाश जी भुतड़ा, कान्हा राम जी सौ, कान्हा राम जी सौ स्वागत के लिए आइए। हाँ आइए, जिन लोगों के नाम पुकारे हैं या जिनका नाम आ गया है
तो आजू बाजू वाले क्षेत्र की बात बता करके जिन्होंने स्वागत कर दिया उसको आने की जरूरत नहीं है। गजानंद बजाज अद्भुत और अलौकिक यह पुष्प होली हमेशा हमेशा के लिए हम सबके हृदय में यादगार बनकर बसी रहेंगी। आज जिन्होंने इस रुक्मिणी जी के विवाह में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य किया है वे सभी बड़भागी हैं। बिरयानी परिवार लोकरोटिया परिवार की तरफ से आपको बधाई दी जाएगी आठ के बाद और आप आठ होने के बाद ये जितने अपनी बहन बेटियां जो बहने हैं डांडिया करने वाली वो करेगी और करना है। हाँ एक वजन होगा पहले आरती से उसके बाद आरती के बाद और भी हमारी प्रीति मालूम भजन बोलेगी। जिनको जाना हो आरती के बाद चले जाना जिनको करना है आप 15-20 घंटा 2 घंटा जितना नाचना चाहो हमारे कलाकार आपको भजन सुनाते रहेंगे प्रीति मालूम भजन सुनाती रहेगी लेकिन आरती से पहले कोई नहीं बड़ा सुंदर एक भजन राधा नाचे कृष्ण नाचे हमारे इंदौर से राधा और कृष्ण नृत्य करेंगे हम भी साथ में डांडिया नृत्य करेंगे जिसको झूमना है नाचना है उस भजन में जरूर नाचे उसके बाद आपके राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन।
स्टेज मंत्री जी को सूचना दे दीजिए। स्टेज मंत्री जी महेश भोग, गोविंद जी सारडा और पूजा राठी कृपया आ जाए। और अब मैं आरती के लिए कल सुबह का सत्र सुबह 9 से 12 तक का है। आप कल सुबह का सत्र 9 से 12 समय 9 से 12 है, उसके बाद में हवन होगा। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है, बारात भी बहुत बढ़िया आई और गोपियों ने बहुत सुंदर नृत्य किया। ये भागवत कथा का जो आयोजन है ये सब हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग, बहने, भाभियां, ये सब लोगों ने मिलके किया है। इसमें कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है, ऐसा सुंदर कार्यक्रम देखने को नहीं मिलता है। मैं इन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये इतना सुंदर भागवत इन सब कार्यकर्ताओं के बलबूते पर दानदाताओं की उदार दिल से भेंट की वजह से सफल हो रहा है। एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आरती के लिए सौंपता हूँ माइक। सुंदर कांड का आयोजन है 8 बजे से 10 बजे, कृपया सभी शामिल होए और अभी बधाई बांटेंगे महाराज जी, स्वामी जी बधाई बांटेंगे। आप लोग रुकिएगा, जाएगा नहीं, बधाई लेके जाएगा। जय श्री कृष्ण। एक विशेष सूचना, कल की कथा दिन में सवेरे 9 बजे से 12 बजे होगी, उसके बाद में यज्ञ होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है, कल की कथा साधारण नहीं है, कल सुदामे और कन्हैया की मिलन की कथा, जीवात्मा और परमात्मा की मिलन की कथा आएगी और परीक्षित की मुक्ति की कथा आएगी। कल की कथा में जो भी आएगा उसकी वो गति हो जाएगी जो महाराज परीक्षित की हुई है, वो भगवान में लीन हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल की कथा का समय याद रखना, 9 से 12 बजे तक, उसके बाद में यज्ञ होगा। अभी आरती होने जा रही है। हरि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सार सदा वसंतम हरिहरविंदे भवन भवानी सहितम नमामि। गिरिधर तेरी आ